सर सर आप अपने आंखों के सामने मेरे मुझे तलाश है और जिसकी वास्ता दे दे जनाब अब्दुल मन्नान साहब तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि जो लोग ठहरे हुए हैं बैठ जाइए और जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए। यहाँ पर कुछ गिफ्ट खाली है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट कर सकें। आगे आ जाइए पीछे वाले जो लोग आगे आ जाइए। ठीक है जेंट्स इधर आ जा सकते हैं। जेंट्स जरा सामने के जीते जेंट्स के इधर लेफ्ट बैक में इधर आगे आ जाइए पीछे के लेडीज ताकि पीछे के लेडीज इस पर आप आ जाए। अब अच्छा दिख रहा है। जेंट्स आगे आ जाइए प्लीज आगे आ जाइए और लेडीज बैक में यहाँ सामने आइए। करीब आइए लेडीज आगे उनको चॉकलेट मिलते थे। ठीक है बड़े छोटे बच्चे स्टाफ मैनेजमेंट जो भी आंसर देगा आपको चॉकलेट मिलेगी। मैं आंसर दूंगा मेरे को चॉकलेट मिलेगी। ठीक है दैट इज द थंब रूल। तो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व होना है इंटरेक्ट करना है और खुद भी बेनिफिट करना है दूसरों को भी बेनिफिट करना है। ठीक है मेक सेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंटिंग वर्कशॉप यहाँ पर आपको देखें इससे आपको क्या खास समझ में आएगी क्या यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है कुछ आप लोग इन्वॉल्व होकर बताइए ताकि मुझे भी समझ में आए कुछ बोलना है यहाँ पर मैं तो आपको क्या हूँ लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आपको गाइड करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना तो बताइए प्लीज माइक वेलकम माइक जी। तो एनीबॉडी रेजर योर हैंड। ओके वहाँ पर वेरी गुड इधर जा रहा है ऑन द राइट साइड ओपन माइंड इज बेटर देन अ क्लोज माइंड बिकॉज माइंड्स आर लाइक पैराशूट दे वर्क बेस्ट व्हेन दे आर ओपन। अब समझे कोई शख्स बंद पैराशूट के साथ प्लेन में से कूद गया फिर क्या हुआ वो सुनाने के लिए एक्सपीरियंस भी जिंदा नहीं जाएगा खत्म हो जाएगा। ओपन पैराशूट काम करता है। ओपन दिमाग करते हैं जिंदगी में तरक्की होती रहती है। बंद माइंड रखती ना कोई तरक्की नहीं होती। अपने आप को सही समझेगा उसका डेवलपमेंट वहां पर नहीं होगा। ठीक है इज दैट मेकिंग सेंस। ठीक है ओके अभी हम पहले एक एक्सरसाइज करेंगे और सेकंड स्लाइड। तो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग अभी तकरीबन जैसे डेढ़ घंटे से कुछ लोग दो घंटे से बैठे हुए हैं तो आप लोग बोलेंगे बैक 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 सेकंड स्लाइड यहाँ से
स्टैंड फिट, ठीक है, ये हमारा है। तो जब मैं कहूँगा स्टैंड तो आपको कहना है स्टैंड और फिर फैलाना है। जब मैं कहूँगा फिट स्टैंड फिट और फिर इतना ज्यादा पावरफुल है टूल्स। तो इसके एक तरबियत का मैं यहाँ पर बता दूं कि आप लोग हैसियत पेरेंट्स अगर बच्चों को कोई बात गुस्से में लेकर कोई बात कह देंगे उसका इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर बॉडी पे और दूसरों के ऊपर, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर, उसका इम्पैक्ट होता है। दिस इज वन लर्निंग पॉइंट वी कैन स्किप द स्लाइड, ओके नेक्स्ट। Very good. So quickly, जो हमारे टॉपिक हैं, first we will do a brainstorming session. This is really important. इसमें जो आप लोगों के challenges हैं, वो मेरे सामने आएंगे और सबके सामने आएंगे लड़के जो challenges हैं। फिर उसका next quickly आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाले का बच्चे जिम्मेदारी है, सीरियस से इस पर हम लेंगे। तरबियत कब से शुरू होती है, तरबियत के क्या क्या पहलू हैं, बच्चों प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये तीनों में देखेंगे। एम्पावरमेंट एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इस पर सोल्यूशंस पर हम काम करेंगे। और लास्ट में जो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये बच्चों के अंदर यूजली 99% पेरेंट्स बच्चों के टैलेंट्स क्या अपने इंडिया आते हैं, हमारे पास एक ही चीज स्पेशली साउथ इंडिया में कर्नाटक वगैरह साइड में तो एक चीज, बच्चा अगर अच्छा पढ़े इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर, खत्म। दूसरे को आपके ज्यादा अच्छा पढ़े डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर नहीं बना तो इंजीनियर बन जाए। आई गेव मोर देन 50 इंटरव्यूज बिना मोबाइल के, मैं 50 इंटरव्यूज दे दिया मैं। उसके बाद फिर एहसास करा एक इंटरव्यू में एक साहब जब आपके चेन्नई के थे और उन्होंने मुझसे इंजीनियरिंग पेरेंट एज पेरेंट्स जो चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, आई एम गिविंग अ टफ टाइम प्लीज कैमरा मैन सॉरी, अरे नमाज नहीं पढ़ते, ये हो रहा, ये मसला है, तरबियत करने में प्रॉब्लम हो रहा, बच्चे बहुत सीधी हो जा रहे हैं, मोबाइल बहुत फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आप लोग वन बाई वन हाथ उठा के बोलते रहिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, शी विल जस्ट लिस्ट आउट दोस प्रॉब्लम्स, प्लीज राइट देम इन द पॉइंट फॉर्म, ओके। सो देन बच्चे उनके हैंड के लिए और होमवर्क के लिए होमवर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, टाइम पे नहीं कर रहे, टाइम पे नहीं होमवर्क पे नहीं, ठीक है वो ले सकते हैं टीम नंबर। ऑलराइट नेक्स्ट, और जी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, जैसा आसिफ ने बताया कि दिस इज नॉट किसी एक को डराना पड़ेगा, ठीक है, चाइल्ड मैनेजमेंट वही पीछे।
Disobedience. Okay, next. Okay, very good point. Yes, sir. Hold on. Can we get a mobile phone? यहाँ पर तरीके आइए जी बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके जो मार्क्स उनको पूरे उनके सेटिस्फाई हिसाब से उनको कामयाबी नहीं मिलती। जब बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं साथ में माँ बाप को भी तकलीफ होती है तो उस टाइम पर बच्चों को क्या करना है ऐसा हमको समझना Child motivation. Please go down. Okay, Mohammad. Last bit. Okay. And we are good. We are talking and understand what we are saying. And in the game, we are more concerned. And in the game, we are more concerned. We are more concerned. We are more concerned. We want to cover it. We want to cover it. We want या सर्दी होती है वजह से और जो जो है सारे लोगों को उनकी बात नहीं सुन रहे हम उनको डांट रहे हैं डांट कर समझा कर भैया अभी अब तक कहाँ नहीं तो पता चला कि खेल में क्रिकेट वगैरह फुटबॉल के टीचर का प्रॉब्लम है अभी हम तो टीचरों को बोले टीचर सब लोगों को बोले कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं तू और कम्युनिकेशन गैप प्लीज नोट डाउन ओके वेरी कनाडा के अंदर खास तौर पे बच्चों
के बेस कन्नड़ा का जो खास तौर पर हमारा जो एरिया है नॉर्थ कन्नड़ा का है, कन्नड़ा को जरूर ना बैठो मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं एक मैं खुल के इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि काबिल मुबारकबाद है हमारा ऑफिसर, तो इस वजह से कि यहाँ के लोगों को एक अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप भी जो है हमारा माशाल्लाह से काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि हम लोगों का जो बेस बना है कन्नड़ा और इंग्लिश उसको अच्छी तरह से इस और मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से बच्चे तो यहाँ पर जो आए इंग्लिश में अच्छी तरह से बात करें और कन्नड़ में अच्छी तरह से बात करें, ताकि हम लोग को जो प्रॉब्लम है जो आगे जो स्कूलों में या ऑफिसों में या कॉलेजों में और उन बच्चों के अंदर वो चीज़ें खत्म होना चाहिए, जो डर है जो खौफ है उन्हें बात करने का लेना, राइटिंग पावर लेना, रीडिंग पावर लेना, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। मैं मानता हूँ बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्लियर ये होना चाहिए कि बच्चे को बेस बनाए, छः घंटे तालीम दीजिए लेकिन अच्छी पोख्ता तालीम दीजिए, बेस अच्छी तरह से बनाइए। ये मेरा अपना स्पेशली सजेशन है और मैनेजमेंट को बोलूँगा और हमारे जो है स्टाफ को बोलूँगा और काबिल मुबारकबाद स्टाफ है यहाँ का और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं दे रहा हूँ, बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक अच्छी तरह से बेस बनाऊँगा। जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड क्लोज कर दिया,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देना है ये नरमी। दो टाइम के मोटिवेशन है, नहीं किसी से मेरा काम करवा देना, मेरे पीठ पर बैठ जाने से दे देना, तो जब तक वो हटे नहीं बस सीधे में सुभान अल्लाह क्या लाभ है। हमारे पास क्या है, बस हटो सुनते ऑफिस जाने में नहीं, इस बार तंग आ जाएंगे तुम लोग आपस में झगड़े देख देख के गुस्सा। नेगेटिव मोटिवेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव मोटिवेशन का नुकसान कैसा रहता, सामान्य लोग गुस्सा करते हैं ना, आपके डर से बचे गए, जैसे आपके बाहर निकलते हैं घर के लिए सोचे रहते हैं फिर लोगों को करना है वही करते हैं, कंट्रोल मोटिवेशन नहीं है। लेकिन नरमी से क्या है, आप नहीं भी रहते मोहब्बत में करेंगे वो, अरे अम्मी को ये चीज पसंद है, अरे अब्बू को ये चीज पसंद है, मोहब्बत में वो काम करेंगे, डर के नहीं करेंगे। कौन सा बेहतर होगा, मोहब्बत में जो कर रहा है वही बेहतर होगा, उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। नेगेटिव इमोशंस फियरफुल को नुकसान दे, फैंसी आप देख लीजिए आपके जो बच्चे हैं अपने बच्चों के साथ खेलते हैं लेजर पे हेड ओनली सो व्यू हैं ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बच्चों के साथ ताल्लुक था, इतना जो है ना फ्री थे कि बच्चों के साथ ऐसा रवैया ना खेलते थे उनके साथ, आप जब तक खेलेंगे नहीं ऐसा उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, कैसा रैपर क्रिएट बनेगा, जब तक रिलेशनशिप नहीं हो तो बच्चा की बात क्यों सुनेंगे, क्यों आपके आपकी फीलिंग आपके सामने शेयर करेंगे। बोला हाँ सवाल, कितने लोग यहाँ पर कितने पेरेंट्स अपने बच्चे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एंड अब्दुल्ला इब्ने उमर बिल्कुल हर बस एक बार मस्जिद में भी अरे बच्चों को कोने में ला दो, अरे बच्चों को पीछे डाल दो, ये हम ब्रेड बना दिए हैं मस्जिदों में भी ये रवैया करते हैं। बच्चे जब पीछे पूरे एक साल जाओगे क्या करेंगे, शरारत तो करेंगे, बैक बेंचर्स क्या करते हैं शरारत करते हैं तो पीछे बैठते हैं, वो खाल मिलता है तो हमें पीछे को नजर नहीं आता, मस्जिदों में भी बच्चों को आप पीछे जाके देखते हैं एक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ वो लोग देख के करते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा बच्चे पीछे बैठ के शरारत करके उनका जो है ग्रुप बना हुआ है उस तरीके से नहीं होता। आप जितना बच्चों को अपनी कंपनी बड़ों की कंपनी में रखेंगे वो आपके तजुर्बा से जो है सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रूवन टेक्निक है, इसके नतायज आए भी हैं, रिजल्ट दुनिया देखी भी है इसकी, क्योंकि रेस्पेक्ट हम अभी से नहीं करेंगे तो जो आगे रहते हैं उनकी लाइफ में जिस तरीके साइकोलॉजिकली जो उनको इम्पैक्ट होता है, जो नेगेटिविटी उनके अंदर रहेगी, जो लो सेल्फ एस्टीम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो वो महसूस करते हैं उसके वजूहत क्या है, अगर बच्चों का रेस्पेक्ट नहीं करें तो एक वाक़ा होता है अल्लाह के रसूल पर बैठे हुए रहते हैं महफिल लगी हुई है सहाबा कराम है और सीधे हाथ के जो है एक छोटा सा लड़का है सहाबी को छोटे से सहाबी के साथ और लेफ्ट हैंड साइड में बड़े सहाबा कराम है और पहले कैसा था आपने कोई दूध या पानी कोई शरबत अगर पीना तो एक ही कटोरा होता था, ऐसा नहीं है डिस्पोजल का सूप को डाल के दे दिए उसको आराम की मांग कर बहुत ही कैसे मांग कर ये हमारा जो रवैया होता है बच्चों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर अनस बिन मालिक 10 साल तक काम करते छोटे बच्चे थे वो ना गुस्सा करना और जो है पनिशमेंट इस तरीके से हम सॉल्व कर देना इस तरीके से रिजल्ट आएंगे इम्बैलेंस क्रिएट होगा रिजल्ट नहीं आएंगे फिर हम बोले बचा पाते हैं अंग्रेजी में मतलब बच्चों को गले लगा देना उनको गोद में लेना या फिजिकल टच जो है ना पकड़ के जो है कंधे पे जो है हाथ रखना या जो है ना गले लगाना इसको जो है अंग्रेजी कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंटिफिकली प्रूवन है कि सिर्फ वर्बल या फिजिकली या उनको चीज़ों के अलावा हम लगा रहे हैं ओके वन मोर चॉकलेट प्लीज फॉर अस तो अल्लाह ताला उनके दिल का हक को दे रहे हैं तो दुआ करना बहुत जरूरी है और माँ बाप की दुआ बहुत ज़्यादा अल्लाह के लिए बहुत कबूल बहुत ज़्यादा कबूल है इमीडिएट उसके जो है रिजल्ट आते हैं नहीं चलिए अब आ रहे हैं रेलिंग ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोग को रखना कि साइकोलॉजी क्या है बच्चों की कैसा उनको तरबियत करना अब हम जो है कुछ साइंटिफिक टूल्स और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आधार की कोशिश करेंगे ठीक है नेक्स्ट एनीबडी हाथ उठाए हाथ उठाए बोले back on the child
very good, very good. Same point. पति की पैदाइश के लिए घर का माहौल बेहतरीन रहना चाहिए, खासतौर पे उस औरत से जो माँ करने वाली है, उसे बहुत ही सुकून से रखना चाहिए, बहुत अच्छा रहना, मलाई झगड़ा नहीं होना, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और वही ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं बच्चे को अगर जन्म लूँ तो मैं घर साहब अल्लाह पाक के जैसे हो, वली अल्लाह के जैसे हो, यानी वो जगह का ऐसा कारण की तरबियत को इंसान का मतलब वेरी गुड जगह का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा उनके लिए जाने वाले तो एनीबडी एल्स ओके लास्ट ठीक है वेरी गुड हेलो एनी इशू हुआ था नमस्कार कहाँ पर इसराइल रिसर्च करने खुद अपनी मेडिकल रिलेटेड इंटर्नशिप वगैरह उसके दो तीन साल पढ़ के जहाँ कंप्लीशन करके वो जा रहा जाने से पहले उसको यानी चंद दिन पहले चंद महीने पहले उसको क्या ला रहा कि ये जो ज्यूइश पॉपुलेशन है यहूदी है पूरी दुनिया में इतना छोटा परसेंटेज है लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन less than 1% लेकिन as far as businesses are concerned more than 70% उस रिसर्च में उसने देखा कि जो Jewish community है ये लोग अपनी औलाद की तरबियत औलाद पैदा होने से पहले उसका जन्म प्रिपरेशन करते हैं किस तरीके से क्योंकि ये साइंटिफिक है जैसे ऑलरेडी बात आ गई हमें कि जो फीटस रहता है बच्चा जब माँ के पेट में रहता है ऑलरेडी उसको इंटेलिजेंस इन द सेंस केयरिंग एंड जो है करते हैं ये इम्पैक्ट और टोटली इम्पैक्ट वहाँ पे जो है अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह है ये सब भी ना वो जो है प्रेगनेंट मदर को अलाउ नहीं करते हो उसका जो इम्पैक्ट होता है इतना फिनोमिनल इम्पैक्ट होता है कि आप देखिए पूरी दुनिया में हर साल जो नोबल प्राइज विनर होते हैं उसमें से बहुत ही बड़ा परसेंटेज जो है यहूदियों का ज्यूइश अमेरिकन को या ज्यूइश इजरायली ज्यू लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि रीडिंग कैपेबिलिटीज हैं तो हम खुद जो रीड कर रहे हैं वो इम्पैक्ट साइड के ऊपर होने वाला है और उसके लिए आप लोगों ने जैसा बताया माशाल्लाह से कि जो है कुरान की तिलावत 7 साल की उम्र इतनी क्रिटिकल एज है कि अगर आप ये एज को नेग्लेक्ट कर देंगे उसके बाद कंट्रोल चलाना बहुत चाहिए तरबियत का मामला ऐसा है कि अगर वक्त निकल गया तो रिवर्स प्रोसेस करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है मालूम होती है कि चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज नोट डाउन दिस 10 के बाद 10 के बाद में कुमार अब यहाँ पर जो है 7 to 12 केस में क्या है ये रियल चाइल्डहुड गेम है ये आगे की रेट में 30-40 में मारने जाएंगे मैं देखो कैसा रिएक्शन होता है ये इसमें आपको कंट्रोल में आने कुछ फिजिकल टेक्निक्स को या कॉर्पोरेट जो आप फिजिकल बनी है उस पर कमा रहा लेकिन उसके आगे बट दिस इज दी टाइम कि यहाँ पे आप ट्रांजिशन फोर्स भी कर सकते हैं डायरेक्शन देना है एनर्जी है ताकत है बट वो भी चीज होती है थोड़ा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कभी ऐसा महसूस करते हैं कि वो अडल्ट हो कभी कभी मैं छोटा हूँ ये चीज में जो है वो डायलेमा में रहे वो रह ले अब हम यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए पॉकेट मनी चाहिए जब वहाँ पे कंप्लेंट करती है बच्चे हैं मैंने बच्चे यस यस सिर्फ जो है ब्रेड लाने के लिए बोले थे 100 रुपये दिए 10 रुपये वापस चीज जब मुझे पैसा दे दे खुश रहने के लिए तो वो सीधे से देखते थे दुकानदार जो खरीदना है वापस लेकर आते थे इसलिए देखिए आप स्टेबल बचे रहने की कि हम जरूरत नहीं कि कुछ ले लेंगे पॉकेट में जब बच्चा जब जीते हैं सच्चा तो वो जितने हम दिन में स्पेंड करेगा वो जाकर देगा वापस जी हाँ मैं जब तक हम बच्चों से कुछ मना रही हूँ मेरे बच्चे जितना मैं देती हूँ उतना ही क्या लेकर आए थे ऑफिस में पूरी कितनी पैसे देते क्योंकि वो कोई जरूरत जरूरत उनसे हम पूरी कर लेते हैं ठीक है वेरी गुड प्लीज गिव हर अ बिग हैंड ये जो आप गिव हर अ बिग हैंड आलिया बजाइए बिग हैंड आलिया बजाने को बिग हैंड कहते हैं तो आपको ये बैंक खर्च करेगा ये जो ना फर्दर रिक्वायरमेंट है ना मांगेगा अगर आप उनसे जाए सारा तो फुलफिल कर रहे हलाल तरीके से बच्चा आपको ज़्यादा तभी मेरे घर में देगा पैसे की बात ना इससे लेकर वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट अनदर वन अगेन बिग हैंड
जी तजुर्बा तजुर्बा ये क्या माइक आगे जा फोन आगे जा फोन आगे जा